हेलो बच्चों, आज की क्लास जो है हमारा, जो आज का टॉपिक है वो है क्लास 11 चैप्टर 7, जिसका नाम है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। बच्चों, परमोटेशन कॉम्बिनेशन एक बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जब कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से किसी का अरेंजमेंट किया जा सकता है किस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इसे हम कहते हैं परमोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ कीजिए आपके घर में ना एक बर्थडे पार्टी है और आपको उसको अरेंजमेंट करना है, तो पहली चीज़ क्या होगी, इस बर्थडे पार्टी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सर, दो ऑप्शन है, या तो आप घर में कर लीजिए, हाउस, यहाँ पर हमारी एक बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं, एक पार्टी हॉल बुक कर लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके के अरेंजमेंट करने को ही हम लोग बोलते हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन होता है, कि कितने तरीके से किया जा सकता है किसी काम को भी। तो परमोटेशन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने तरीके से किसी चीज़ को अरेंज करना, मतलब इसमें बोलूँ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास सपोज करो दो शर्ट्स हैं, शर्ट वन और शर्ट टू, और आपके पास तीन ट्राउज़र हैं, ट्राउज़र वन, ट्राउज़र टू और ट्राउज़र थ्री, तो आप कितने तरीके से इसको पहन सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। भाई शर्ट वन के साथ ट्राउज़र वन, शर्ट टू के साथ ट्राउज़र टू, शर्ट थ्री के साथ ट्राउज़र थ्री, शर्ट टू के साथ ट्राउज़र वन, शर्ट टू के साथ ट्राउज़र टू, शर्ट थ्री के साथ ट्राउज़र थ्री, मतलब इन सब चीज़ों को अरेंज करना ही हमारा पूरा चैप्टर है परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। तो आइए, लेट ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन हमें कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब अब इसके क्वेश्चन का मतलब समझिए, आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर गिवन है, तो अवेलेबल नंबर आपके पास कौन से हैं, अवेलेबल नंबर है सर मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे नंबर कितने फॉर्म्ड करने हैं, मुझे थ्री डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, नंबर टू बी फॉर्म, एक तीन डिजिट का नंबर है, मान लो एक डिजिट ये है, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 1, 10, 100। अब आपके पास दो कंडीशन बोली गई हैं, पहली चीज़ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। अब इसका मतलब समझिए, रेपिटेशन ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, कि अगर मैंने इन पांचों में से कोई भी नंबर चूज़ कर लिया, सपोज़ कर लो मैंने 1 चूज़ किया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ठीक है, तो मेरे पास जब मैं 1 चूज़ कर रहा हूँ कितनी चॉइसेस हैं, सर चॉइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पांच में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ, तो जब मैंने पहली बार नंबर चूज़ किया मेरे पास चॉइसेस हैं 5, ध्यान से सुनना। अब जब मैं सेकेंड बॉक्स के नंबर के लिए आऊँगा, अब चॉइस कितनी है, मतलब अगर मैंने मान लो एक नंबर चूज़ कर लिया, तो सेकेंड टाइम जब मैं इस बॉक्स में कोई नंबर चूज़ करूँगा तो क्या ये एक रहेगा, रेपिटेशन का मतलब हाँ, कि आप एक नंबर को दो बार यूज़ कर सकते हैं, तो चॉइस कितनी होगी 5, और जब मैं जो तीसरा नंबर फॉर्म करूँगा, मतलब रेपिटेशन इज़ अलाउड, क्या ये एक नंबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब आपने यहाँ पर भी चूज़ कर लिया, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ऑप्शन ये भी अवेलेबल रहेगा, तो इनटू 5 चॉइस कितने, मतलब एक के अलावा भी नंबर, तो नंबर कितने तरीके से, अगर मैं इन पांचों नंबर को यूज़ करूं कितने तरीके से कि तीन नंबरों को मैं फॉर्म कर सकता हूं, तो आंसर होगा 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 5 = 125, यानी कि 125 तरीकों से मैं इन तीन नंबरों को अरेंज कर सकता हूं, इन पांचों नंबरों को अरेंज कर सकता हूं तीन डिजिट के नंबर में। रेपिटेशन इज़ अलाउड का मतलब बच्चों क्या होता है, रेपिटेशन इज़ अलाउड का मतलब होता है कि जो नंबर आपने एक बार चूज़ कर लिया, क्या हम उसको दोबारा ले सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होगा। अब सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो अगर मुझे तीन डिजिट का नंबर बनाना है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं तीन डिजिट के नंबर की बात करूँ, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो मैंने पहली बार मान लो कोई नंबर चूज़ कर लिया, सपोज़ करो 2 चूज़ कर लिया, तो पहले डिजिट में मेरे पास चॉइस कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पांचों में से मैं पहले बार चॉइस कितनी है मेरे पास 5। अब मैंने मान लो सपोज करो ये नंबर यहाँ पर प्लेस कर लिया, सेकंड बॉक्स में कितने नंबर की चॉइस होगी, भाई एक नंबर जो यूज़ कर लिया उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, तो चॉइस होगी 1, 2, 3, 4, इन चारों में से मैं कोई भी नंबर चूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर चॉइस होगी 4, सपोज़ करो मैंने 3 लिया था, तो ये भी चॉइस बंद होगी। अब मैं तीसरा नंबर सिलेक्ट करूँगा,
मेरे पास चॉइस कितनी होगी, 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3। तो कितने तरीके से इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं, 4 5 20 × 3 विच इज इक्वल्स टू 60। तो 60 जो मेरा आ गया आंसर, 60 तरीकों से मैं किसी नंबर को चूज कर सकता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ नंबर डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब समझिए, आपको जो गिवन नंबर है 1 से लेकर 6 तक, 6 नंबर गिवन है, तो वो कह रहा है कि इन 6 नंबरों से मुझे 3 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है। तो ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म कर सकता हूँ, डिजिट रिपीट कर सकते हो वो अलाउड है, प्लस नंबर जो है इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर क्या है हमारे पास, सर गिवन नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर फॉर्म कितने कर सकते हैं, नंबर टू बी फॉर्म 3 डिजिट का करना है, 1st 2nd और 3rd 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जो 3 डिजिट का नंबर है अगर उसके लास्ट डिजिट मतलब लास्ट में पीछे या तो 2 आए 4 6 8 या 0 आ जाए। अब 0 तो मेरे पास गिवन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 2 4 और 6 है। अगर ये 3 नंबर लास्ट डिजिट में लिखे जा सकते हैं तो इन तीनों नंबर या तो 2 लिखा जाए या 6 या 8, तो ये नंबर इवन नंबर कहलाता है। अब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करता हूँ कि मुझे लास्ट नंबर में लिखा गया, लास्ट नंबर की चॉइस कितनी है कि इवन नंबर बोला गया, तो इवन नंबर पूरे 1 2 लेकर 6 तक है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर मुझे इन तीनों में से एक नंबर सिलेक्ट करना हो, मेरे पास चॉइस कितनी है, 3। बिल्कुल सही, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में तो सिर्फ इन तीनों के अलावा और कोई नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि डिजिट बोला गया है कि ये डिजिट इवन नंबर का है। ओके सर, बात करते हैं आगे, बाकी के 2 डिजिट, अगर यहाँ के 2 डिजिट की बात करूँ तो मेरे पास 2nd डिजिट के लिए ऑप्शन कितने हैं, 6। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में, क्यों, अब देखो 6 नंबर तो अवेलेबल है और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ बोला गया डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो मेरे पास ऑप्शन 1 2 4 6 इन तीनों डिजिट को रिपीट करने का भी है, तो 6 चॉइस रहेंगी। सिमिलरली अगर मुझे 1st डिजिट को लिखना है तो यहाँ पर भी मेरे पास 6 चॉइसेस रहेंगे। तो कितने तरीके से किसी नंबर को फॉर्म किया सकता है, 6 × 6 × 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 × 6 × 3 को, तो वैल्यू आती है 108। तो बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।